हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने ही चैनल टारगेट इन फैंटेसी पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बायजूस पांडिचेरी टी10 का जो फोर्थ मैच खेला जाने वाला है यहाँ पर कल सुबह 8:30 बजे, उसके मैच प्रीव्यू। तो यहाँ पर मैच होगा रॉयल्स वर्सेस किंग्स के बीच। तो यहाँ पर प्रीव्यू में आपको कौन कौन से बारे में आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी, तो आप एक बार पहले देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर आपको डेट, टाइम, वेदर, वेन्यू, पिच, डिबेट के बारे में जानकारी दी जाएगी। उसके साथ यहाँ पर एवरेज स्कोर क्या बनता है, टोटल मैचेस कितने खेले गए हैं, बैटिंग फर्स्ट कितने जीते, बैटिंग सेकंड कितने जीते, आज की मैच की प्रेडिक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और दोनों टीम के प्रोबेबल प्लेइंग एक्साइज विथ एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर क्या रहने वाला है। साथ में यहाँ पर स्मॉल लीग के कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के चॉइसेस, ग्रैंड लीग पिक्स में आप कौन कौन से प्लेयर को पिक कर सकते हो, ग्रैंड लीग पर कौन कौन से कैप्टन वाइस कैप्टन आपके लिए रहने वाले हैं, तो सारे बात हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ पर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए, ताकि एक एक बात, एक एक पॉइंट जो हम आपको यहाँ पर समझाने वाले हैं तो आपको अच्छे से समझ आए और आप खुद से एक अच्छी टीम बना पाए। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए। और एक बात गाइस, देखिए यहाँ पर अगर आपको फाइनल टीम्स चाहिए कोई भी मैच का, हम जो कवर कर रहे हैं उसके फाइनल टीम अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर जाकर @TarguetInFantasy लिख के सर्च कीजिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक करके वहाँ पर आप आसानी के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। तो वहाँ पर आप हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर हमने पिंड मैसेज पर हमारे जो विनिंग रिजल्ट है वो वहाँ पर पिन करके रखा है, तो आप जाइए खुद से चेक कीजिए। अगर आपको लिंक चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक भी मिल जाएंगे, तो लिंक में क्लिक करके आप वहाँ पर भी आसानी के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बात करते हैं यहाँ पर रॉयल्स वर्सेस किंग्स की, देख लीजिए यहाँ पर कल सुबह 8:30 बजे मैच होगा। क्रिकेट एसोसिएशन पुदुचेरी सीजन ग्राउंड पुदुचेरी इंडिया में मैच खेला जाने वाला है। वेदर बिल्कुल क्लियर रहने वाला है, अगर कोई फर्दर वेदर कंडीशन के कोई इशू आए तो हम टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर देंगे। पिच रिपोर्ट की बात करें यहाँ पर, देखिए फिलहाल तो बैलेंस पिच दिखा रहा है, तो अगर पिच पर कोई चेंजेस आए तो हम आपको टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर देंगे। एवरेज स्कोर की बात करें पर 60 से लेकर 70 तक एवरेज स्कोर बनता है 10 ओवर के अंदर। यहाँ पर देखिए लास्ट 2 मैच खेले गए हैं, 2 ही यहाँ पर चेस करने वाली टीम ने जीते। और आज की मैच प्रेडिक्शन की बात करते हैं पर, देख लीजिए रॉयल्स की टीम यहाँ पर 50% विनिंग चांसेस है, किंग्स की टीम यहाँ पर 50% विनिंग चांसेस है, क्योंकि देखिए दोनों टीम्स के बीच अभी तक कोई मैच नहीं खेला, एक भी मैच कोई, मतलब रॉयल्स भी एक भी मैच नहीं खेला और किंग्स भी यहाँ पर एक भी मैच नहीं खेला, तो यहाँ पर दोनों का इक्वलिटी यहाँ पर विनिंग चांसेस रहने वाले हैं। बात करते हैं यहाँ पर दोनों टीम के प्रॉब्लम लेंस है। रॉयल्स की तरफ से यहाँ पर देख लीजिए के नागर बाबू यहाँ पर ओपनिंग करने वाला है आर रघुपति के साथ, यहाँ पर दोनों ही दाएं हाथ के बल्लेबाज है। साथ में यहाँ पर के नागर बाबू जो है वो यहाँ पर विकेट कीपरिंग करेंगे, साथ में यहाँ पर रघुपति राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलिंग भी कर लेते हैं। पी लोकेश साहब आएंगे यहाँ पर नंबर 3 पर राइट आर्म बैट्समैन, साथ में यहाँ पर राइट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग भी डालते हैं। पी आशीष राइट आर्म बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं, नंबर 4 पर बैटिंग करते आपको देखने को मिल सकते हैं। आर कार्तिकेयन यहाँ पर राइट आर्म बैट्समैन है, नंबर 5 पर खेलेंगे। नंबर 6 पर देखिए यहाँ पर ए अरविंद राज राइट आर्म बैट्समैन, साथ में यहाँ पर राइट आर्म पेस मीडियम पेस बॉलिंग करता है। नंबर 7 पर आएंगे यहाँ पर पी राजन एल राइट आर्म बैट्समैन है। नंबर 8 पर आएंगे एस कुमारन राइट आर्म बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग करेंगे। नंबर 9 पर देखिए एन जनार्थनन राइट आर्म बैट्समैन, साथ में यहाँ पर राइट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं। पी मुर्गन राइट आर्म मीडियम पेसर है, साथ में यहाँ पर एन ठाकुर एन राइट आर्म फर्स्ट बॉलर है। तो यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कौन कौन से प्लेयर आपके लिए रॉयल्स की तरफ से बहुत ही अच्छे पिक रहने वाले हैं, स्मॉल लीग पर मस्ट पिक बन जाएंगे, तो वो उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पर आप देखिए आर रघुपति है, पी लोकेश, आर कार्तिकेयन, पी राजन, एस कुमारन, जनार्थनन और एन ठाकुर। तो यहाँ पर ये 7 प्लेयर्स के जो नाम हमने अभी आपके लिए बताया, तो ये आपके लिए मस्ट पिक रहने वाला है स्मॉल लीग के टीम पर। चलते हैं यहाँ पर केजीएस की, मतलब किंग्स की तरफ से देखेंगे प्रॉबल प्लेइंग एक्साइज विथ एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर। ए कमलेश शरण यहाँ पर राइट आर्म बैट्समैन है, साथ में यहाँ पर ओपनिंग करेंगे जी थिवागर, ये भी राइट आर्म बैट्समैन, साथ में यहाँ पर राइट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं। नंबर 3 पर आएंगे यहाँ पर जी चिरंजीवी, ये भी राइट आर्म बैट्समैन है, साथ में यहाँ पर राइट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग कर लेते हैं। नंबर 4 पर आएंगे यहाँ पर एम सलमानुम फरीस, जो कि विकेट कीपरिंग ऑप्शन पर आपको मिल जाएंगे, राइट आर्म बैट्समैन है। के मुर्गन लेफ्ट आर्म बैट्समैन है। नंबर 6 पर आएंगे यहाँ पर बी चौहान राइट आर्म बैट्समैन, साथ में यहाँ पर राइट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग कर लेते हैं। नंबर 7 पर आएंगे यहाँ पर एस राजाराम राइट आर्म बैट्समैन, साथ में यहाँ पर राइट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं। नंबर 8 पर आएंगे यहाँ पर मदन आर राइट आर्म बैट्समैन, साथ में यहाँ पर नंबर 9 पर आएंगे एस जहांगीर बी दाएं हाथ के बल्लेबाज, साथ में यहाँ पर दाएं हाथ में ऑफ स्पिन बॉलिंग गेंदबाजी कर लेते हैं। और यहाँ पर नंबर 10 पर देखिए एस मगेश राइट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं, और बी स्वरूप यहाँ पर देख लीजिए राइट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग डालते हैं। तो यहाँ पर केजीएस की तरफ से एक बार देख लीजिए कौन कौन से प्लेयर आपके लिए स्मॉल लीग पर मस्ट पिक रहने वाले हैं, मतलब आपको इनको लेना ही लेना है। तो अगर आप थोड़ी सी अलग कॉम्बिनेशन भी बनाना चाहोगे तो इन ये प्लेयर को भी आपको रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से प्लेयर आपके लिए मस्ट पिक रहने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक कमलेश शरण, सी ची जी चिरंजीवी, के मुर्गन, बी चौहान, एस राजाराम, मदन आर। तो फिलहाल ये 6 प्लेयर्स हैं।
तो बॉलिंग सेक्शन में यहाँ पर देख लीजिए एस मगेज सबके लिए अच्छा हो सकता है इस मैच में। तो फिलहाल दोनों टीम की प्रॉबल पेंसिल की बात गई और बैटिंग ऑर्डर की बात गई, तो चलते हैं यहाँ पर स्मॉली के जो सेफ कैप्टन सर वाइस कैप्टन की चॉइस रहने वाले हैं उसकी तरफ एक बार ध्यान दीजिए। ए कमलेश्वरन है, जी थिवागर है, ए अरविंद राज है, बी चौहान है। तो ये चार प्लेयर्स ही आपको स्मॉलिंग पर कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बहुत ही अच्छे प्लेयर है, मतलब जितना स्टेट्स हमारे पास है उससे मुताबिक हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये चार प्लेयर्स आपके लिए स्मॉलिंग पर अच्छा कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के चॉइसेस रहने वाले हैं। गैंडलिक विक्स में देखिए यहाँ पर एस मगेश है, रघुपति ओपनिंग करेंगे, पी लोकेश नंबर तीन पर आएंगे, के मुर्गन ऑलराउंडर है और एस मगेश जो है एक बहुत ही अच्छे मीडियम पेस बॉलर है। तो अगर आप 20 टीम बनाकर गैंडलिक खेल रहे हो तो आपके लिए एक छोटी सी यहाँ पर एडवाइस हम देंगे, जैसे कि आप पहले 11 प्लेयर्स को लेके एक अच्छा सा सेफ टीम बनाइए, जैसे कि हम भी एक आपको 11 प्लेयर्स को लेके एक अच्छा कॉम्बिनेशन देंगे टॉस के बाद। तो पहले बनाइए एक 11 प्लेयर्स को लेके एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन, उसके बाद आप यहाँ पर जो हमने चार चॉइसेस रखा है आपके लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए, इनमें से दो प्लेयर्स को एज ए कैप्टन और वाइस कैप्टन बना दीजिए। साथ में आपको क्या करना है, आप जो 20 टीम बनाओगे उनमें से यहाँ पर गैंडलिक विक्स में जो चार प्लेयर्स हमने यहाँ पर लिख के रखा है इनमें से एक दो तीन मैक्सिमम तीन होगा इनमें से आपको रोटेशन कर लेना है। जैसे कि आप मान लीजिए एक टीम पर आपने 20 टीम के अंदर एक टीम पर आपने एस मगेश आर रघुपति को ले लिया, दूसरे टीम पर आपने यहाँ पर पी लोकेश एस मगेश को ले लिया, तीसरे टीम पर आपने क्या किया के मुर्गन आर रघुपति और एस मगेश को ले लिया। तो ऐसे करके आपको थोड़ा सा चेंजेस करते हुए रोटेशन करते हुए प्लेयर्स को 20 टीम बनाना पड़ेगा। देखिए टी20 लीग्स पर ज़्यादातर क्या होता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्बिनेशन को चेंज नहीं करना चाहिए, एक से दो प्लेयर्स मैक्सिमम तीन प्लेयर्स को यहाँ पर आप रोटेशन कर सकते हो, लेकिन पूरा कॉम्बिनेशन आप कभी भी नहीं चेंज कर सकते हो, क्योंकि देखिए आपको तो दो तरीके का रिस्क रहना चाहिए यहाँ पर, एक है कैप्टन वाइस कैप्टन के ऊपर रिस्क, दूसरा है यहाँ पर प्लेयर्स के ऊपर रिस्क। अगर आप एक ही टीम पर दो तरीके का रिस्क यहाँ पर ले रहे हो तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम आने वाला है, आपकी टीम वेस्ट जाने वाला है, क्योंकि देखिए दो तरह के रिस्क आप ले रहे हो तो वहाँ पर टीम ही रिस्की हो जा रहा है। आपको रिस्की टीम बनना है, ग्रैंड लीग जीतने के लिए आपको सेफ टीम नहीं चलेगा, रिस्की टीम ही बनाना है, लेकिन आपको वहाँ पर एक से दो मैक्सिमम तीन चेंजेस करना है। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि पाँच से सात चेंजेस करोगे तो आपको वहाँ पर दिक्कत आने वाला है, तो इसलिए आपको ग्रैंड लीग्स पर यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रोटेशन करते हुए आपको टीम बनाना चाहिए। तो देखिए ये दोनों टीम्स के बीच पहला मैचेस है, तो इसलिए हम आपको कह रहे हो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल लीग पर इन्वेस्ट कम रखिए, क्योंकि अभी उतना अच्छा से मतलब आपके पास भी जानकारी नहीं है हमारे पास भी जानकारी नहीं है, तो आपको इस मैच में ग्रैंड लीग खेलना ही बेहतर होगा। तो ये गई स्टेट एनालिसिस की बात, अभी चलते हैं यहाँ पर डीम की तरफ, वहाँ पर हमने एक डेमो टीम बनाएंगे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ डेमो और परसेंटेज के ऊपर बनाया गया हुआ एक टीम रहने वाला है। फाइनल टीम आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी, आप जाइए लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हमने क्रिकेट रिलेटेड सारे न्यूज़ कोई भी मैच के फर्दर अपडेट्स हम वहाँ पर शेयर कर देते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए टॉस के बाद कोई अपडेट आया उसके तो वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है, तो वो हम कहाँ डालें, वो हम टेलीग्राम पर दे देते हैं। तो इसलिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप जाइए अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलते हैं यहाँ पर टीम की तरफ, यहाँ पर हमने एक सेफ टीम बनाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं विकेट कीपरिंग सेक्शन पर हमारे टीम पर रहने वाले हैं एन नागुर बाबू, जिसका सिलेक्शन आप देख सकते हैं 86.83% है। बैटिंग ऑप्शन पर हमारे टीम पर रहेंगे पर आर रघुपति, ए कमलेश्वरन और जी त्रिभागा, जो तीन टॉप ऑप्शन यहाँ पर हमारे टीम पर रहेंगे। साथ में यहाँ पर पी लोकेश भी रहेंगे क्योंकि वन डाउन आएंगे, साथ में यहाँ पर 71% से भी ज़्यादा इनका सिलेक्शन है, तो ये चार प्लेयर्स फिलहाल हमारे टीम पर रहने वाले हैं स्मॉल लीग की टीम पर। ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ देखिए, हालांकि आपको टी20 लीग्स पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑलराउंडर्स को ही रहना चाहिए, क्योंकि ऑलराउंडर्स को ये चांसेस है कि आपको दोनों तरफ से पॉइंट्स दे, एक बैटिंग एक बॉलिंग, अगर बैटिंग से फ्लॉप हो जाए तो बॉलिंग से पॉइंट्स देंगे, अगर बॉलिंग से फ्लॉप हो जाए तो बैटिंग से पॉइंट्स दे देंगे, तो ऑलराउंडर्स को ज़्यादा रखना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर सेफ टीम बना रहा है, परसेंटेज को वो प्लेयर लेकर टीम बना रहे, तो इसलिए हमारा टीम पर ये यहाँ पर चार बैट्समैन रहेंगे। ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ आप देखें तो यहाँ पर बी चौहान, के मुर्गन, साथ में यहाँ पर ए अरविंद राज, तीन जो टॉप चॉइसेस है ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ वो हमारे टीम पर रहेंगे। बॉलिंग ऑप्शन की तरफ यहाँ पर एक बार देखें तो एस जहांगीर, बी एस मगेश और यहाँ पर एन जनार्दनन, ये तीन प्लेयर हमारे टीम पर रहेंगे। आप चाहते यहाँ पर एस कुमारन को भी ले सकते हो, तभी आपको एक बैट्समैन को ड्रॉप करना पड़ेगा। चलते हैं यहाँ पर अदर्स ऑप्शन की तरफ, देख लीजिए यहाँ पर पी मुर्गन, बी स्वरूप और एन ठाकुर, ये तीन ऑप्शन आपके लिए अच्छे चौसे हो सकते हैं ग्रैंड लीग्स पर। ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ एक बार देख लीजिए, यहाँ पर एस राजाराम है, पी राजन है और सर यहाँ पर मदनार, ये तीन ऑप्शन आपके लिए ग्रैंड लीग्स पर अच्छा रहने वाले हैं। बैटिंग में आपके लिए जी चिरंजीवी है और पी आशीष, साथ में यहाँ पर और जो है आर कार्तिकेयन आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम रिस्क पर नहीं जाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे जो कैप्टन रहने वाले हैं बी चौहान और वाइस कैप्टन यहाँ पर रहेंगे ए अरविंद राज। सेव करके आपको एक बार प्रीव्यू दिखा देता हूँ, देख लीजिए यहाँ पर है के नागुर बाबू विकेट कीपरिंग सेक्शन में, बैटिंग में देख लीजिए यहाँ पर कमलेश्वरन, जी त्रिभागर, आर रघुपति, पी लोकेश, चार ऑप्शन यहाँ पर हमारे
टीम पर बैटिंग सिस्टम पर रहेंगे। ऑलराउंडर की तरफ से यहाँ पर देख लेते हो के मुरुगन, बी चौहान, ए अरविंद राज, तीन ऑप्शन हमारे टीम पर रहने वाले हैं। और यहाँ पर जो सेफ कैप्टन है वो है बी चौहान, वाइस कैप्टन है यहाँ पर ए अरविंद राज, बिल्कुल सेफ है। और ऑलराउंडर सेक्शन के बॉलिंग सेक्शन की अगर एक बार देखें तो यहाँ पर देख लीजिए एन जनार्थनन, एस जहांगीर और एस मगेश, तो ये तीन ऑप्शन बॉलिंग सेक्शन पर रहने वाले। तो यहाँ पर थोड़ा सा ग्रैंडली के कैप्टन से वाइस कैप्टन चॉइस की बात कर लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए पी लोकेश, जी दिवाकर, के नागरबाबू, साथ में यहाँ पर एस मगेश और के मुरुगन, तो ये पाँच ऑप्शन आपके लिए ग्रैंडली पर अच्छा कैप्टन से वाइस कैप्टन के चॉइस रहने वाले हैं। तो फिलहाल ये रहेगा आपके लिए डेमो टीम, फाइनल टीम को मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप लिंक में क्लिक करके डायरेक्ट हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और एक अच्छा सा टीम बना, अच्छा विनिंग कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अगर आपको वीडियो यहाँ पर अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब के साथ साथ यहाँ पर बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना ताकि आने वाले सारे वीडियो सब तक पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो पर।